बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे पहली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री आगरा छावनी विधानसभा से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने सीएम योगी की पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक जीएस धर्मेश ने थाना छत्ता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। एक घटना का हवाला देते हुए लिखित रूप से शिकायत में यह कहा कि थाना छत्ता पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया, सिर्फ 2 घंटे के भीतर वारंटी को थाने में छोड़ दिया गया। इस तरह के कई प्रश्न चिन्ह विधायक एस धर्मेश ने खड़े किए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी के पुलिस पर इससे पहले भी विधायक जीएस धर्मेश और आगरा पुलिस के बीच तकरार के कई मामले देखे गए हैं, जिनमें विधायक धर्मेश पुलिस के लिए काफी नाराज और निराश देखे गए। प्रशासनिक मामलों में काफी गंभीर और सतर्क मारे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही विधायक के द्वारा पुलिस पर खड़े किए गए सवाल पर क्या एक्शन लेते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूर्व राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के छावनी विधानसभा से विधायक जीएस धर्मेश ने आगरा पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि छावनी विधायक जीएस धर्मेश ने उदाहरण के तौर पर थाना छत्ता में एक वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 2 घंटे के बाद उस वारंटी को पुलिस ने छोड़ दिया, जिसके बाद जीएस धर्मेश ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखित में शिकायत की है और योगी की पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विधायक की लिखित शिकायत पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। तो ये योगी सरकार को कंप्लेन लेटर भेजा गया, यानी शिकायत पत्र भेजी गई है, और छावनी के विधायक का जो है वो पुलिस से नाराज दिख रहे हैं, और विधायक धर्मेश पुलिस के लिए काफी नाराज और निराश देखे गए हैं। लगातार वो इस तरह से पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है उन्होंने। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की छवि को इस तरह की पुलिस प्रशासन खराब कर रही है, और उन्हें शिकायत पत्र भी लिखा है छावनी विधायक धर्मेश ने। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जीशान अहमद हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। जीशान, जिस तरीके से विधायक धर्मेश सवाल खड़े कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है और किस मामले की वजह से जीशान धर्मेश जो विधायक है इस तरीके के सवाल और पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को? देखिए शिवम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री जीएस धर्मेश जो छावनी से विधायक हैं, उन्होंने उस जो उदाहरण जो दिया है आगरा के थाना छत्ता का उदाहरण है, जो एक वारंटी को थाना छत्ता पुलिस गिरफ्तार कर लाई थी, उसको न्यायालय में पेश करना था, लेकिन पुलिस ने उस व्यक्ति को जो वारंटी था उसको छोड़ दिया, जिसके बाद इसका संज्ञान जो आगरा से विधायक हैं जीएस धर्मेश ने लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक शिकायत पत्र लिखा है, जिसमें आगरा पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बता दें जीएस धर्मेश पहले भी आगरा पुलिस पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं, साफ तौर से इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। जीशान, विधायक धर्मेश जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं और जिसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस वारंटी को लाती है फिर 2 घंटे बाद छोड़ देती है, पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर विधायक ने जो आरोप लगाए हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाह हो चुकी है, उनकी तरफ से कोई बयान आया है और किस मामले में उस वारंटी को गिरफ्तार किया गया था, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास जीशान? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो जीएस धर्मेश हैं उन्होंने जो शिकायत पत्र मुख्यमंत्री को दिया है, ये मामला तब गरमाया था। हालांकि आपको बता दें थाना छत्ता में एक वारंटी था जिसको पुलिस गिरफ्तार करके लाई थी, उसको 2 घंटे बाद ही पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीति जरूर गरमाती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि साफ तौर से यहां पर आगरा में तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के दल हैं वो इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज परे भी हैं, इनसे जान लेते हैं किस तरीके से देख रहे हैं। जो विधायक ने, जो जीएस धर्मेश हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री की पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। अनुज जी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सत्ताधारी विधायक एक पुलिस कमिश्नरेट पे आरोप, सीधा आरोप लगा रहा है,
वो उनका आरोप बिल्कुल सत्यता का है और वो जनता के हित में उन्होंने ये आरोप इतना बड़ा पुलिस कमिश्नरेट को लेके लगाया है। इससे पहले भी तमाम ऐसे वाक्य हुए हैं उत्तर प्रदेश में और आगरा में। मैंने आगरा के कमिश्नर को इससे पहले महीने भर पहले मैंने अवगत कराया था कि आगरा में पुलिस का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, हर थाने में खुल्लम खुल्ला लूट हो रही है। तो वो इनके विधायक ने एक मामला बहुत लेटर लिख के उठाया है, बहुत अच्छा मसला है, मगर दुर्भाग्य ये है कि सत्ताधारी विधायक इस मामले को उठा रहा है। ये मामला कोई और उठाता तो कुछ प्रश्नचिन्ह और होता, मगर सत्ताधारी विधायक जी एस धर्मेश इससे पहले भी लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहे। मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि कम से कम उन्होंने इस बात को सोचा कि गरीब जनमानस की आम जनता की कैसे निचोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक साथ 16 का मामला, पहले एक साथ 16 में मैं समझता हूँ कि 500 रुपए में जमानत हो जाती थी, आज 10,000 रुपए में जमानत हो रही है। कंप्रोमाइज होने के बाद लगातार पुलिस एक साथ 16 में पाबंद कर रही है, खुल्लम खुल्ला लूट उत्तर प्रदेश की आगरा की पुलिस रविंद्र गौड़ के माध्यम से करी जा रही है। उनको अगवत भी मैंने खुद कराया था कि पुलिस प्रशासन बेकाम बेलगाम हो चुका है, लगातार आम जनमानस को सर बहुत परेशानी हो रही है, इस पर आप संज्ञान लीजिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम इसको संज्ञान में लेते हैं। तो मगर आज उसी के कुछ दिनों बाद ये जीएस धर्मेश जी ने ये मामला उठाया है। बड़ा चिंता का विषय है कि सत्ताधारी विधायक इसको उठा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, पुलिस भी अपना कार्य कर रही है, लेकिन सत्ता के विधायक इस तरीके से शिकायत कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या मैसेज देंगे प्रदेश? साफ साफ जाहिर हो गया, जग जाहिर है, जो सत्ताधारी विधायक जी एस धर्मेश इस मसले को उठा रहे हैं। मैंने कहा ना, ये मसला शायद मैंने उठाया होता या कांग्रेस के किसी सांसद ने उठाया होता तो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं था, मगर प्रश्न चिन्ह ये इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जी एस धर्मेश सत्ताधारी विधायक है। योगी आदित्यनाथ के सारे सवालों का जवाब विधायक जी ने दे दिया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अवगत कराऊंगा। ठीक है जीशान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रयागराज के यमुना नगर में दर्दनाक हादसा हुआ है, तेज रफ्तार ट्रक ने 3 छात्राओं को कुचल दिया है। हादसे में 1 छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है, 2 छात्राएं गंभीर रूप से इस पूरी घटना में घायल हुई है। पुलिस ने फरार ट्रक को कब्जे में ले लिया है, ड्राइवर ट्रक छोड़कर वहां से फरार हो गया। नाराज लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की है और ट्रक पे आग भी लगा दी है, यानी कि आग के हवाले कर दिया है। स्थानीय लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त प्रयागराज से यमुना नगर की ये पूरी घटना है, जहां पर 3 छात्राओं को ट्रक ने रौंदा और जिसमें से 1 छात्रा की मौत हो गई और 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई और वहां पर मौके पर लोग इस घटना से काफी नाराज हुए हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां का माहौल है इस पूरी घटना के बाद। ये ट्रक है जिसे आप देख सकते हैं कि आग के हवाले कर दिया है लोगों ने, उत्साही भीड़ ने, और वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया है, क्योंकि इस पूरी घटना में 3 छात्राएं इसकी चपेट में आई थी, जिसमें से 1 छात्रा की मौत हो गई और 2 छात्राएं जो हैं वो बुरी तरीके से घायल हो गई हैं। तो यमुना नगर की ये घटना है प्रयागराज से, और तेज रफ्तार ट्रक ने 3 छात्राओं को कुचल दिया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, वहां पर भीड़ किस तरह से, गुस्साई भीड़ किस तरह से घटना में लिप्त ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हालांकि ट्रक ड्राइवर ट्रक को छोड़कर वहां से फरार हो गया और फिलहाल पुलिस भी वहां पर मौजूद है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, किस तरह से ये कब की घटना है और इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास शोएब? देखिए श्याम, एक बहुत दर्दनाक घटना है। हालांकि ये घटना इस तरह से हुई है, उसमें कहीं ना कहीं एक छात्रा की मौत मौके पर ही हो गई थी, हालांकि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल है, उसके अलावा 2 और छात्राएं हैं जो घायल हैं, लेकिन एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जिस तरह से घटना हुई बताया जा रहा है कि मिर्जापुर रोड की तरफ से ये ट्रक आ रहा था
और जो स्कूली छात्राएं हैं वो वापस अपने घर की तरफ जा रही थी साइकिल से थी और ये ट्रक की परिस्थिति में अनियंत्रित हो और उसके बाद उसकी चपेट में छात्राएं आ गईं। हालांकि एक छात्रा को बहुत ही मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके निकाला गया जो अभी जीवित है और जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जबकि दो और छात्राएं हैं जो चोटिल हुई हैं। लेकिन एक छात्रा इस पूरी दुर्घटना में मौके पर उसकी मौत हो गई, जो ये दर्दनाक वाकया सामने आया है। हालांकि पुलिस ने अब जो ड्राइवर है उसको हिरासत में ले लिया है, ड्राइवर को पकड़ लिया है, शोएब जैसे कि जानकारी ये है कि तीनों छात्राओं में से एक छात्रा की मौत हो गई है और दो छात्राएं घायल हैं। जो छात्राएं घायल हैं उनकी स्थिति अभी क्या है और इस पूरी घटना में जो ट्रक ड्राइवर था क्या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जब ये दुर्घटना हुई थी जब ट्रक अनियंत्रित हुआ था, इस चपेट में दो लड़कियां उसी जद में पूरी तरीके से आ गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी छात्रा को काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और क्रेन को बुला करके उसको रेस्क्यू करके निकाला गया। वो पूरी तरीके से ट्रक के नीचे उसका हाथ जो है दब चुका था, वो काफी देर तक उसी में दबी रही। ये अच्छी बात रही कि उसे जीवित हालत में निकाल लिया गया है, फिलहाल वो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई थी। जो जो छात्राएं और घायल बता जा रही उनका मामूली इलाज चल रहा है। जहां तक ड्राइवर की बात है, उसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। ये जरूर है कि इस घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और चूंकि ड्राइवर ने घटना कारित करने के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर वहीं भागा था, तो लोगों ने आक्रोश में आकर के ट्रक के अगले हिस्से में आगजनी भी की, उसमें आग लगाई। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझा बुझा करके हालात को नियंत्रित किया, लेकिन इस बीच में लोग जरूर वहां पे इकट्ठा हो गए थे जिन्हें समझाया बुझाया गया। इस घटना में एक ट्रक जो मौत हो चुकी है, उसके अलावा एक छात्रा है जो अभी भी गंभीर हालत में है, क्योंकि वो इतनी देर तक ट्रक के नीचे रही है, उसे किसी तरह से बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके निकाला गया। उसके लिए न सिर्फ क्रेन बल्कि फायर ब्रिगेड की टीम, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी, उसने निकाला था। अब फिलहाल उसके इलाज चल रहा है और इस बीच में कोशिश की जा रही कि उसे जिंदगी दी जा सके, उसे बचाया जा सके। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के रेडियंट स्टार स्कूल में क्रूरता का मामला सामने आया है, जिसमें एक बच्चे को स्कूल बैग घर भूल जाने के कारण करंट दिया गया, यानी कि बिजली का झटका दिया गया उसे। आपको बता दें कि बच्चा अपना स्कूल बैग घर भूल गया, इसके बाद से स्कूल में बच्चे को करंट वाली कुर्सी पर बैठाकर बच्चे को करंट दिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने मौके पर पुलिस बुलाई और थाना प्रभारी को पूरा मामला विस्तार पूर्वक बताया। पुलिस आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो ये डीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने चलती ट्रेन में आरपीएफ सिपाहियों की हत्या मामले को लेकर बड़ा दावा किया। एडीजी ने कहा सिपाहियों की हत्या में वांटेड 1,00,000 के इनामी जाहिद को पुलिस फोर्स ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बीते दिनों शराब तस्करी के चलते बिहार के तस्करों ने गाजीपुर के पास दो सिपाहियों की हत्या की थी। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में एडीजी अमिताभ यश ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। अपराध और अपराधियों के सफाये के लिए यूपीएसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार अभियान चला रही है, चाहे सुल्तानपुर में डकैती कांड रहा हो, यहाँ पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की और गाजीपुर में जिस तरह से दो आरपीएफ सिपाहियों का मर्डर कर दिया गया था, इस मामले में 1,00,000 का इनामी बदमाश आज ढेर किया गया। क्या रहा सर गाजीपुर का मामला? गाजीपुर में दो आरपीएफ के कांस्टेबल्स की हत्या शराब स्मगलरों द्वारा कर दी गई थी और ये हत्या बहुत ही ग्रूसम तरीके से, अगर मैं उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करना चाहूँ तो अत्यंत विभत्स तरीके से, ब्लड कर्डिंगली ग्रूसम तरीका था। और इन अपराधियों ने इन दो कांस्टेबल्स को की हत्या करने के बाद उन्हें ट्रेन के नीचे डाल दिया था। इसका जो मुख्य अभियुक्त जाहिद पर 1,00,000 रुपए का इनाम था, इसकी लगातार तलाश गाजीपुर पुलिस और एसटीएफ कर रही थी
और कल बीती रात एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में यह अपराधी मारा गया। सर, महिला अपराध को लेकर क्या अभियान चलाया जाएगा या क्या भविष्य में? महिला अपराध के लिए सरकार अत्यंत सजग है, लगातार ऑपरेशन मिशन शक्ति 3 फेजेस में चलाया जा चुका है। मिशन शक्ति का 4th फेज भी लॉन्च होगा। इसके लिए एक वृहद प्लानिंग बनाई गई है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पिंक बूथ बनाना, महिला बीट बनाना, 1090 को खास करके महिला अपराधों के प्रति सचेत करना, अगर कोई महिला किसी अनजान स्थान पर किसी डिफिकल्ट टाइम में या रात्रि के समय है जहाँ से उसे कोई मोड ऑफ कन्वेंस नहीं मिल रहा है तो उसमें भी 112 की तरफ से उसे मदद पहुँचाना, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें लगातार की जा रही हैं। महिला अपराधों में लगातार प्रोसिक्यूशन के प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले 1.25 साल में ऑपरेशन कन्विक्शन जो पुलिस का चल रहा है इसमें 50,000 से ज़्यादा अपराधियों को सजा कराई गई है। जी बिल्कुल, एडीजी एलओ अमिताभ यश का कहना है कि जिस तरह से महिला अपराध हो रहे हैं उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सजग है, अपराधियों को लगातार सजा दिलाई जा रही है। वहीं 2 आरपीएफ सिपाहियों की हत्या कर ट्रेन से शव फेंके जाने के मामले में भी यूपी पुलिस और एसटीएफ को सफलता मिली है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।